हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं जो टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ, इस टिप्स एंड ट्रिक को आप लोग यूज़ करके हर शुक्रवार को जो टूर्नामेंट होता है, उस टूर्नामेंट को आप लोग 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइस, ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए बढ़ते हैं मेन टिप की ओर। लेकिन मेन टिप की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, एक बात और मैं बता देना चाहूँगा कि जो जो भाई लोग मेरे चैनल पे नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो जो भाई लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर आपके फ्रेंड के साथ कर देना। और वीडियो पसंद आएगा तो एक कॉमेंट भी अच्छा खासा कर देना। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो टूर्नामेंट चल रहा है, टूर्नामेंट में हमारा गिल्ड में एक ही बॉक्स खुला है, तो हम लोगों को और 3 बॉक्स खोलना है। तो 3 बॉक्स खोलने के लिए जो ट्रिक की ज़रूरत है, वो ट्रिक मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसमें आप 2 घंटे में आप इजी टूर्नामेंट को कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं वो ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को। तो गाइस, पहले आप देख लो कि यहाँ पे मैंने पॉइंट किया हूँ 156। तो आप देख सकते हो 156 मेरा पॉइंट है। तो ये ट्रिक यूज़ करने के बाद 8-8 करके आपका पॉइंट बढ़ेगा। तो एक बार यूज़ करोगे तो 8 बढ़ेगा, 2 बार यूज़ करोगे तो 8 बढ़ेगा, ऐसे ऐसे करके आपका जो पॉइंट है वो बढ़ता जाएगा। तो गाइस, इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए आपको एक बार क्लास स्क्वाड लगा लेना है। क्लास स्क्वाड लगाने के बाद क्लास स्क्वाड में अंदर जाके एक बैक कर देना है। तो ऐसे करके आपको 8-8 पॉइंट करके बढ़ेगा। तो एक बार क्लास स्क्वाड लगाओ, क्लास स्क्वाड लगाने के बाद बैक कर दो, तुरंत बैक कर दो। तो दोस्तों, एक बार मैंने बैक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पॉइंट था 156, तो वहाँ से हो गया 164। तो ऐसे करके आप लोगों को ये टूर्नामेंट कंप्लीट करना है। तो ऐसे आप 2 घंटे में ये टूर्नामेंट कंप्लीट कर सकते हो। आपका गिल्ड में 3 बंदे हैं तो 3 बंदे ही ये कंप्लीट कर सकते हैं 2 घंटे में। 2 घंटे ये ट्रिक यूज़ करेगा तो ये टूर्नामेंट आप इजीली कंप्लीट कर पाओगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलेगा और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।